नेपाल में सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप खेलकर रांची की रहने वाली दिव्यानी लिंडा इस वक्त अपने गांव पहुंची है और मांझी ब्लॉक के चंद्रा गांव में देखिए किस तरह से भव्य स्वागत हो रहा है। इस छोटे से गांव से निकलकर इनका भारतीय टीम में चयन हुआ था और अभी नेपाल में बांग्लादेश के खिलाफ, भारत और बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल मैच था और दिव्यानी लिंडा इस मैच में खेल रही थी। पेनाल्टी शूटआउट में इन्हें मौका भी मिला था, हालांकि भारतीय टीम मैच हार गई, लेकिन जिस तरह से दिव्यानी ने यहां से निकलकर भारतीय टीम तक पहुंचने का जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और यही वजह है कि जैसे गांव पहुंची, आप देखिए सैकड़ों हजारों की संख्या में जुलूस की शक्ल में रांची से लेकर गांव तक दिव्यानी लिंडा को लेकर गाँव वाले यहाँ पर पहुँचे हैं। दिव्यानी, बहुत स्वागत हो रहा है आपका। सर, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम जितना नहीं सोचे थे उतना हमारे चंद्रा पंचायत का भैया लोग हमको इतना स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। कैसे पहुंच गए आप इंडियन टीम तक, एकदम गांव से निकलकर यहां से? सर, हमको फुटबॉल बहुत बहुत पसंद है, फुटबॉल खेलना हमको, और हमको बहुत हमको अपने आप में जोश था कि हम खेलेंगे इंडिया कह के। और मेरा कोच का भी सपना था कि इंडिया खेले, हम मेरा भी सपना था इंडिया खेले। बहुत ही मेहनत करने के बावजूद फिर हम इंडिया टीम में सिलेक्शन हुए। बहुत कष्ट, पैसा, शूज वूज खरीदने का पैसा मम्मी रजाकुली काम करके देती है और कुछ खाने के लिए देती है पैसा, उसको इकट्ठा करके हम अपना खेलने का सामान को अथी कर खरीदते हैं। मतलब बहुत दिक्कत से माँ आपको पाली पोसी फिर यहाँ तक पहुँचे। यस सर। तो आज मम्मी आई है कि गई है काम करने? आई है सर। मम्मी भी आई है? यस सर। तो फाइनल मैच में जिस तरह से पेनाल्टी शूट आउट में आखिरी मौका शायद आफी को मिला था, बड़ा अफसोस हो रहा होगा जब भी याद आता होगा, नहीं? यस सर, बहुत अफसोस होता है, पर क्या करें, नेक्स्ट टाइम सुधारेंगे। नेक्स्ट टाइम सुधारेंगे। तो यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन लोग मदद किया आपको? हमको तो वहाँ तक पहुँचने में मेरा बबलू सर का सबसे बड़ा हाथ है यहाँ, मेरा बबलू सर और जगू भैया, यही सब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हमको उतना दूर ट्रायल के लिए ले गए और हम इंडिया टीम में सिलेक्शन हुए। सुने कि आपका जब सिलेक्शन हुआ था, जा रही थी तो जाने का भाड़ा भी नहीं था, तो कोई मदद किया आपको? यस सर, हमारे पास जाने का भाड़ा भी नहीं था और दूसरा कोई बोलता था कि ये कैसे जा सकती है, इसके पास तो कुछ नहीं है, पर मेरा बबलू सर और जगू भैया पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किए इधरों से और फिर हमको ट्रायल के लिए ले जाएँ। अभी कहाँ तक आगे सोच रही हैं कि जाएंगे? अभी तो हम बहुत आगे जाने का सोच रहे हैं और भारत का नाम रोशन करना। तो बिल्कुल, देखिए कोच, जिस कोच बबलू कोच अनवारुल जी का जिक्र कर रही हैं, इसी कोच की बदौलत जो है यहाँ की लड़कियाँ अब निकलकर भारतीय टीम तक पहुँच रही हैं। बहुत स्वागत किए अपनी खिलाड़ी का आप। जी हाँ, हम लोग क्या चंद्रा पंचायत से हम लोग का जिला परिषद कमिश्नर मुंडा के नेतृत्व में और 22 पहाड़ा मुखिया के इसमें बहुत ज़ोरदार स्वागत किया गया है ना। मतलब जितना सोचे नहीं थे कि जो व्यवस्था होगा, ये बाबूलाल भैया के तरफ से भी बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग ने मतलब खुल के जितना हम लोग सोचे नहीं थे कहीं उससे ज़्यादा स्वागत किया गया। और यहाँ सरकारी हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, स्कूल के टीचर ने जो बच्चों को एक लाइन बना के एक वेलकम किया, वो बहुत ही भव्य और देखने लायक था। तो बिल्कुल खूब स्वागत कर रहे हैं आप लोग दिल खोल के। जी, क्या कहेंगे दिव्यानी के बारे में? देखिए, हम लोग का घर का बेटी है और शान के साथ में आज बड़ी उमंग और खुशी के साथ में आँख से आंसू बहता है कि हमारी बेटी, एक छोटी सी बेटी 14 साल की उम्र में और गरीब घर की, इसका पिता भी नहीं है, बहुत झेल के ये आगे बढ़ी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरा बेटी को और अपना जो चंद्रा और सदमा के बीच में अपना नाम रोशन किए, भले ही पूरे औरमाझी और पूरे भारत का नाम रोशन किए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये आगे का नाम रोशन करे। आज 22 पड़ा के बैनर तले से आज इनको बहुत ही अहम सहयोग है। आज इस क्षेत्र के पूरे स्कूल का छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे थे आज, और बहुत ही सुंदर तरीका से इसका भव्य स्वागत किया गया। आज हमारे उसका कोच भी हमारे बबलू भाई है, जगू भाई है, और हमारे शामिल बहुत ही ज़ोर से कमिश्नर मुंडा हमारे जिला परिषद के, हमारे रमेश चंद्र उराव और 22 पड़ा के तमाम पदाधिकारी महिलाएं लोग उपस्थित होकर आज इसका स्वागत किए, देख रहे हैं पूरा भीड़ के साथ में। बिल्कुल भीड़ देखिए और गाड़ी का रैला देखिए, लगेगा कोई नेता आया है, लेकिन नेता नहीं बल्कि गाँव की एक बेटी निकलकर यहां से भारतीय टीम तक पहुंची है और फाइनल मैच खेलकर नेपाल से जब लौटी है तब इनका स्वागत हो रहा है। लोटा पानी से स्वागत किया आप लोग।
करते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ सर, लोटा पानी से स्वागत किया। दिव्यानी गांव का नाम रोशन कर, हम दिव्यानी गांव का नाम रोशन की है, गांव की बेटी है दिव्यानी। हम लोग का सदमा पंचायत और चंद्रा पंचायत का रोशन की है, हम लोग का भारत का रोशन की है, और इसी तरह सब बच्चे भी आगे बढ़े ऐसे दिव्यानी जैसा और खुश रहे। खुश रहे? हाँ। खुश हैं आप लोग? खुश हैं। क्या बोलेंगे? बहुत खुश है। हम लोग दिव्यानी को देख के बहुत। देखिए, कई लड़कियां भी आई हैं स्वागत करने के लिए, आप लोग आए हैं फूल माला पहना। यस सर। क्या बोलेंगे दिव्यानी के बारे में? बहुत मुश्किल होता है यहाँ से निकल कर जाना, क्या? जी, यहाँ से है निकल के जाना, और एक गरीब परिवार से होने के बावजूद भी आज हमारी बेटी दिव्यानी लिंडा जो हमारा नाम रोशन की है सदमा और चंद्रा पंचायत की, ये प्रखंड की भी नाम रोशन कर चुकी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी दिव्यानी लिंडा भारत का भी नाम रोशन करे, और यहाँ से और जितने भी किशोरी बच्चियाँ हैं बच्चे हैं वो भी इन ये दिव्यानी लिंडा को देख के सीखे कि हम भी कुछ कर सके। बस यही कहना। गांव वाला को और उम्मीद है अभी बहुत ज़्यादा। यस सर। पूरा करेंगे? यस सर, पूरा करेंगे। तो अभी फिर कहीं जाएंगे खेलने आप? यस सर। कई दिन बाद? अभी तो पता नहीं है, डेट नहीं दिया। डेट नहीं है, लेकिन अभी लगातार खेला चालू रहेगा। यस सर। तो बिल्कुल देखिए, ये दिव्यानी लिंडा हैं और पूरा गांव जो है यहां पर स्वागत करने के लिए आया है। इंडियन फुटबॉल टीम की प्लेयर हैं, अंडर 16 की सैफ चैंपियनशिप खेलकर नेपाल से लौटी हैं। बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल था, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय टीम ये मैच हार गई, लेकिन जिस तरह से ये बिरसा मुंडा की प्रतिमा के पास चंद्रा गांव में इनका स्वागत हो रहा है, रांची से एक रैला की तरह निकला, रैली की शक्ल में जो है दिव्यानी लिंडा का यहां पर स्वागत हुआ है, और कई लोग हैं। क्या बोलेंगे दिव्यानी के बारे में? आप टीचर हैं यहाँ, जिला परिषद है? अच्छा, हाँ। मैं तो क्या बोलूँ, शब्द ही कम है बोलने के लिए कि आज जिस क्षेत्र से एक गरीब परिवार की बच्ची, अपना और माझी क्षेत्र ही नहीं, पंचायत ही नहीं, झारखंड ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में जो नाम रोशन की है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में इसको देख के और सारे जो खिलाड़ियों हैं, चाहे फुटबॉल के हैं, क्रिकेट के हैं, वॉलीबॉल के हैं, अन्य सारे जो प्लेयर्स हैं, उन लोगों को सीख के कुछ मन उत्साह होगा, और इसी तरह मैं चाहूँगा कि अपना गाँव क्षेत्र या फिर शहर क्षेत्र को एकदम नाम रोशन होना चाहिए। तो बिल्कुल, दिव्यानी ने नाम रोशन किया है इस गाँव का, इस पंचायत का, इस प्रखंड का, झारखंड का, और यही वजह है कि भव्य स्वागत हो रहा है, और इसको देखकर कई जो खिलाड़ी हैं वो उत्साहित होंगे और वे भी आगे आएंगे। आप मुखिया हैं जी, क्या बोलेंगे मुखिया जी? हम आज बहुत खुश हैं दिव्यानी लिंडा ने जो आज मेरे पंचायत का और सदमा चंद्रा दोनों पंचायत का और मांझी प्रखंड का, और एक बेटी होकर के एक इतना जुनून इसके मन में था और आज इन्होंने कर दिखाया है, तो इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, बहुत खुश हैं कि हम एक गरीब बेटी आज अपना माँ कहीं नहीं, आज झारखंड की बेटी है, पूरे देश की बेटी है, इन्होंने आज रेडर बन के चीन, नेपाल और ये बांग्लादेश में रनर रही, और ये बड़े गौरव खुशी की बात है, और हम इसको आशीर्वाद देते हैं कि आगे बढ़े, खूब अपना भारत का नाम ऊंचा उठाए और विश्व में इसका नाम हो। क्या बोलेंगे आप? आप भी खेलते हैं फुटबॉल? नहीं, हम नहीं खेलते हैं, पर बहुत खुश हैं हम दिव्यानी लिंडा को देख के। अच्छा, देखते हैं? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। ठीक है। आप पूर्व मुखिया हैं? जी, पूर्व है जी। देखिए, जब दिव्यानी लिंडा के बारे हमको जब पता चला तो हम लगातार उस गांव में जाना शुरू किए, घर जाने लगे, बातचीत किए। आज तक आप लोग नहीं बताए इस तरह का मामला था गांव का, कोई आदमी बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन एक तरफ से हमको खुशी हो रही थी कि चलिए मेरा गांव का एक बेटी जिनका पिता नहीं है, उसका साया उठ चुका है, वे बेटी जाके पूरा भारत का नेतृत्व कर रही है, और नेपाल भूटान को हरा करके बांग्लादेश से फाइनल में उतरी और पेनाल्टी शूट आउट में हारी, लेकिन उस पर भी बताइए वहाँ तक पहुँचना कम बड़ी बात नहीं है, और हजारों लाखों लाख का बीच से चयन करके गई है, ये सबसे बड़ी भाग्य की बात है, और हम आशीर्वाद देते हैं कि हमारा बेटी पूरा देश का रोशन करे, देश का नेतृत्व करे, इसको देख करके पूरा बच्ची, पूरे बच्चे, लड़के लोग जो गलत रास्ते में चल रहे थे, डाइवर्ट हो गए थे, लाइन में आए, खेल को आगे बढ़ाएं और आगे इस तरह का हमको लगता है इस क्षेत्र से अधिक खेल में जाएंगे। कई और जनप्रतिनिधि आए हुए हैं स्वागत करने के लिए, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सोहराई टोपो। हम काके क्षेत्र से हुए। दिव्यानी लिंडा का वापसी के लिए हम लोग को पता चला तो हम लोग बहुत खुश हुए अंदर से कि कांके और मांझी तक बॉर्डर है,
लेकिन बहुत खुशी की बात है कि एक छोटा सा क्षुद्र गांव से निकल के इतना बड़ा मुकाम तक हासिल की, तो बहुत हम लोग को खुशी अंदर से माहित हो रहा है। और साथ में हम चाह रहे हैं कि संदेश देना चाह रहे हैं कि और भी जो छोटी छोटी बेटियां लोग हैं, बहन लोग हैं, इस खेल में आ रहे हैं, वो लोग आगे बढ़े और इसी तरह इसका देख के आगे सोच बनाए। ठीक है, और क्या बोलेंगे नागपुरी में? जोहार, मेरा नाम, हमार नाम सुक्रिया उराम है के, और हम चंद्रा पंचायत और मांझी कांके क्षेत्र 22 पढ़ा कर सक्रिय सदस्य है कि, और छात्र संकर राष्ट्र रांची जिला प्रवक्ता भी है कि, आई दिव्यानी मैया जे काम कर है वो इतना बढ़िया काम कर है, और हम इनकर समाज कर आई जितना जनप्रतिनिधिगण, हम इनकर जिला परिषद दादा कमिश्नर मुंडा जी, हम इनकर भूतपूर्व मुखिया दादा रमेश चंद्र राव जी, आदिवासी सरना 22 पढ़ा समिति कर अध्यक्ष बाबूलाल दा, हम इनकर मुखिया दीदी सीमा तिर्की जी, और विभिन्न क्षेत्र कर आवल हम इनकर सब भाई बहन और प्रतिनिधि मन के बहुत बहुत धन्यवाद देवीला। हम इनकर कोच जे हम इनकर दादा अनवरुल हक जी, इकर बहुत बड़ा योगदान रहलक, और ये मैया के ऊंचा शिखर तक अगर कोई पहुँचाए ना तो गुरु ही पहुँचाए ना, ऐसा काम आई जी मैया करलक है कि आने वाला क्षेत्र में इस क्षेत्र कर एक युवा पीढ़ी के एक ऐसा जोश और जज्बा मिलत है कि मन शिखर पर भी, हिमालय के शिखर पर भी चढ़ सकाए ना। तो हम इनके पूरा जितना भी इस क्षेत्र कर भाई बहन और बुद्धिजीवी अगुआगन ही सब मन के सपोर्ट करे का जरूरी है, और विपरीत परिस्थिति में इस दलदल कीचड़ से मैया निकल के आज इतना बड़ा एगो पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे छाप छोड़े, ये बहुत बड़ा है। और इसी तरह से हम चाहिला कि मीडिया बंधु और पत्रकार बंधु मन के विभिन्न क्षेत्र में जाए कि एक गरीब घर कर एक बच्ची और बच्चियां जे मन इस तरह कर प्रतिभावान हैं, उमन कर अपन जे भी प्रतिभा है उके दिखाई कर काम करवाएँ, और इसी तरह से हम पत्रकार बंधु के बहुत बहुत धन्यवाद देवीला, हार्दिक जोहार करीला, और सब मन के बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक जोहार। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in